हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर जिले भर के सरकारी हॉस्पिटलों में कार्यरत चिकित्सक गुरुवार को सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे के लिए हड़ताल पर रहे। हालांकि इस दौरान चिकित्सकों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखी गई, लेकिन जनरल ओपीडी नहीं की गई। हड़ताल को लेकर एसोसिएशन सदस्यों ने पहले ही नागरिक हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर शशि प्रभा अग्रवाल को अवगत करा दिया था। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश भोला ने कहा कि मैं चिकित्सकों की कमी के बावजूद नागरिक हॉस्पिटल में चिकित्सक पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। मैन पावर के अभाव के बावजूद भी चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने को लेकर चिकित्सक कृत संकल्प है। बावजूद इसके सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों की मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा। नागरिक हॉस्पिटल में कार्यरत चिकित्सकों की मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग तथा अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन मांगों को पूरा करने की बजाय उन्हें हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए राज्य कमेटी के आह्वान पर मजबूरन चिकित्सकों को यह कदम उठाना पड़ रहा है। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस की एसोसिएशन है, उनके आह्वान पर जो है आज जो जिला जींद की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है और जो जितने भी मेंबर्स हैं हमारे सामान्य अस्पताल जींद के सभी डॉक्टर्स आज 2 घंटे की स्ट्राइक पे हड़ताल पर रहेंगे, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। और इसके पीछे जो मुद्दे हैं जो स्टेट लेवल पर डिस्कस हुए उनमें से 2 चीज़ें प्रायर हैं जो पहले ही गवर्नमेंट के साथ पैनल में चल रहे हैं और उसके ऊपर हमें आश्वासन मिला और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है, जिसमें से एक तो स्पेशलिटी कैडर जो है अलाउंस स्पेशल अलाउंस और स्पेशल इंक्रीमेंट फॉर पीजी जो डॉक्टर्स हैं हमारे पोस्ट ग्रेजुएट, सो दैट के भाई अगर उनको स्पेशल अलाउंस मिलेगा या एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा जब भी वो सर्विस के अंदर रिटेन रहेंगे सेवा लोगों की कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो है दूसरा जो है वो हमारा ACP का कैडर है, जिसमें कि फिलहाल जो है हरियाणा के अंदर 5, 10, 15 पर हमारी ACP लगती है और जो अदर स्टेट्स के अंदर सेंटर के अंदर है वो 4, 13 और 4, 9, 13 है। और इसके साथ साथ हमें एक 4th ACP है जो सेंटर का स्केल पे हमें प्राप्त होती है, 20 के डायरेक्टर का जो स्केल होता है तो उसकी डिमांड हमने रखी हुई है। तो ये 2 मुख्य मांगे हैं जो पहले से पैनल के अंदर थी और उसके ऊपर फैसला नहीं हो पाया, इसलिए आज जो स्टेट बॉडी ने जैसा फैसला लिया हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन ने उनके आह्वान पर आज जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है जिला जींद की वो भी सारी 2 घंटे की स्ट्राइक पर है 8 से 10 बजे तक और ये 2 मुख्य मांगे हैं। जी जी बातचीत नहीं हो पा रही समाज जी हो रही है तो आगे की क्या है? देखिए आज की 2 घंटे की स्ट्राइक के पश्चात जो है हमारी स्टेट बॉडी ऊपर कमिश्नर से या जो हमारे मंत्री जो है उनसे बातचीत होगी और जैसा फैसला हमारी स्टेट बॉडी लेगी उसी का अनुसरण किया जाएगा, चाहे वो स्ट्राइक आगे के लिए कॉल ऑफ करने का हो या आगे इसको बढ़ाने का फैसला। लंबी स्ट्राइक भी जा सकती है? बिल्कुल संभावित है, अगर इस पे कोई बातचीत के जरिए कोई सलूशन नहीं निकल पाता है तो ये भी संभावित है कि भाई इसको हम लोग आगे 1-2 दिन के लिए कंटिन्यू रखें। आज जो हमने स्ट्राइक की थी 2 घंटे की उसमें केवल इमरजेंसी सेवाएं और पोस्टमार्टम सेवाएं ये चालू थी और जो OPD की सर्विस है वो सारी हमने 2 घंटे बंद रखी।